क्या आप ये जानते हैं छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? क्या आप जानते हैं छठ पूजा का व्रत कितने घंटों का होता है? क्या आप ये जानते हैं कि छठ पूजा में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है इन 4 दिनों में? तो चलो यार, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो में बने रहना एंड तक, क्योंकि यार ये पर्व जो है बिहारियों के लिए भाई बहुत खास पर्व है। तो इस वीडियो में यार मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि सारी चीजें डालूं और आपको बताऊं कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। चलो, हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, छठी मैया का आगमन हो चुका है आज, और आज है नाई खाई। नाई खाई में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग नदी पे आते हैं, नदी पे आने के बाद यहाँ पे हम स्नान करते हैं। स्नान करके जब हम घर जाएंगे, तो गाइस हो ऐसा रहा है जैसे कि हम छठ यहाँ पे घाट पे मनाते थे, तो यहाँ पे किसी को मनाने दे नहीं रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे टेंट वेंट लगाए और वहाँ पे छठ मनाएंगे। और देखो, मच्छर मारने का भी वो सीन चालू है। मच्छर वच्छर काम हम कर रहे होंगे, तो लेबरों को भाई हट रहे होंगे भाई मच्छर। तो छठ वहाँ पे मनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे नहीं आएंगे मनाने के लिए। हम मनाएंगे भाई अपनी ही गली में। ये भाई सब्जी देखो, मस्त। यहाँ हमारी आ गई कद्दू, और यहाँ हमारा आ गया भाई भात। तो यहाँ कद्दू, भात और भाई सब्जी, समझ रहे हो, स्टार्टिंग हो गया। मेरे को तो देख के भाई पानी आ रहा है मुंह में अभी से। सो यार, अब देखो क्या गरम गरम भाई टेस्ट आएगा इसमें। तो गाइस, सारा सामान, पूजा का जो सामान होता है वो लाने की तैयारी हो चुकी है। लगभग सारा सामान आ चुका है, इसमें भी काफी सामान है। और अब एक चीज होती है, वो क्या चीज है खास वो मैं दिखाता हूँ, चलो। तो यहाँ पे वो चीज हो रही है, जैसे कि मन्नत मांगी होगी, तो अब भीख मांग के इसमें पैसा चढ़ाएंगे और उस पैसे से कुछ सामान आएगा। तो गाइस, जितना दान का आया अब उससे प्रसाद ले लेंगे और प्रसाद को लेके जाएंगे। तो फाइनल जो मांगे हुए पैसे थे उसके सारे सामान आ चुके हैं। यहाँ पे 2 गन्ना भी है और बाकी ये सामान है। तो यहाँ भाई हमारा होने वाला है घाट। तो देखो, ये हमारा घाट है भाई। तो गाइस देखो, अभी इसमें पानी भरा जाएगा। ऐसे नॉर्मली नहीं, मतलब पन्नी लगा देंगे इसमें, फिर पानी भरेंगे। भरने के बाद मैं दिखाता हूँ। क्या कह रहे हो? बिहार से लेबर आया छठ पूजा मनाने। सही बात है। तो हेलो दोस्तों, आज है डे 2। आज होगा खरना पूजन। इसमें हमारा कुछ इस प्रकार से सजाया जाएगा और प्रसाद के रूप में यहाँ पे ये देते हैं। ये कहने को तो मीठी चावल कह सकते हैं इसे। ये बना है हमारा गुड़ और चावल से, बहुत टेस्टी होता है इसका स्वाद। और यहाँ पे तो देख ही सकते हो, ऐसे सजाया गया। अभी यहाँ पे पूजा होगी। सब लोग पूजा करके आ चुके हैं भाई। अब लेके जाऊंगा मैं सबके घर पे प्रसाद, सबको प्रसाद दे आऊंगा भाई मैं। हेलो दोस्तों, आज है डे 3 और डे 3 में भाई हमारे यहाँ बनता है ठेकुआ। ठेकुआ यार किस किस का फेवरेट है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और यहाँ ठेकुआ बनाने का कार्यक्रम हो रहा है भाई, घाट पे हमने बनाने का डिसाइड किया, क्योंकि यार इससे अच्छी जगह अभी कोई हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे ठेकुआ बना रही है मम्मी और भाभी और आंटी। तो यहाँ पे मज़ा आ रहा है भाई ठेकुआ मुझे देखने में। क्यों यार, देखने में जितना मज़ा आता है उतना ही खाने में आता है। तो सबसे पहले यार बात करते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। छठ पूजा यार कोई कोई मन्नत मांगा रहता है, जैसे किसी के बाल बच्चे नहीं होते वो, या किसी बाल बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो मम्मियाँ छठ पूजा का व्रत बोलती हैं छठ माता को और वो करती हैं। और देखो यार, इसको बोलते हैं कसारो। कसारो ये शायद चावल के आटे का होता है, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं पूछना भूल गया मम्मी से भी। और ये चावल के आटे का होता है यार, ये भी स्वादिष्ट लगता है खाने में। मेरे यहाँ पे इसको कसारो बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यार मज़ा आता भाई ये चीज़ देख देख के। यार ये ऐसा एक फेस्टिवल है जो यार बहुत मज़ा आता भाई, हर पर्व से अच्छा ये पर्व लगता है।
कौन सा बता दियो। फाइनली गाइस आज है day 3 और सारी तैयारी हो चुकी है, बस घाट पे हमें जाना है। तो बस निकलने ही वाले हैं, दिखाता हूँ मैं आपको घाट कैसा सजा है, क्या बना है। चलो घर से निकलने के बाद डाला भाई सर पे लेके आते हैं, लेकिन मेरा कैमरा मैन भाई पागल है, वो मेरे से दूर रहता है, तो मैं भाई बाद में रिकॉर्ड करके भाई यार वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो यार थोड़ा बहुत समझ जाओ कि क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या हम करते हैं। अब यहाँ पे मैं लेके आ गया, अब यहाँ पे बस सजा के पूजा को स्टार्ट कर देंगे। यार यहाँ पे डेकोरेशन काफ़ी अच्छा हो गया है, जैसा भाई होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सारा सजा दिया है। यहीं तक होता है, यही होता है छठ पूजा में, और जो क्या प्रोसेस होता है मैं आगे और बता दूंगा। हेलो गाइस आज है day 4 और मैं रेडी हो चुका हूँ कुर्ता वगैरह पहन के, और दिखाता हूँ मैं क्या किया आज। देखो भाई सारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया day 4 का, गली में भाई कोई नहीं दिख रहा। ओ, तो दिख रहा है क्या? मोनू भैया बच्चों का अधिकार मत छीनो, आओ इधर आओ फ्रेम में आओ। बच्चे नहीं दिख रहे यार। जानो मोड़ना कपड़ा मोड़ना, ये भीन जाएगा ऊपर। चले 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 चले।
गाइस वीडियो पसंद आई वीडियो पर लाइक मार लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से मार लेना। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी छठ पूजा आप सभी को।